नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, स्नान का जीवन में बड़ा महत्व है। हर जीव स्नान करता है, हर जीव, और प्रत्येक जीव को जब स्नान मिलता है, जब वो स्नान करता है, तो उसके मन और आत्मा पर इसका जबरदस्त इफेक्ट होता है। कई लोगों को आप देखना, वो स्नान नहीं करते। जो लोग स्नान नहीं करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, दो दो दिन, तीन तीन दिन तक स्नान नहीं करेंगे, आप देखना उनकी बुद्धि कुंठित रहती है, बिल्कुल कम बुद्धि के होते हैं। उनका दिमाग, उनकी बुद्धि तेज नहीं चलेगी, और आत्मा की जो शक्ति है वो उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती है। हर चीज के प्रति वो फटाफट आकर्षित होने लग जाते हैं। ढेरों तरह की नेगेटिव एनर्जी उन्हें घेर लेती है। कोई भी इंसान उन्हें आसानी से बेवकूफ बना सकता है। छोटी मोटी चीजों में उनका मन अटक और भटक जाता है। स्नान करने से दोस्तों, ढेरों ऐसी चीजें हैं आपके बॉडी में जो नेगेटिव है और दूर हो जाती है सिर्फ स्नान करने मात्र से। जो व्यक्ति रेगुलर स्नान करता है, स्नान किए बिना पानी भी नहीं पीता, कितनी ही ऐसी नेगेटिव भूत बाधाएं हैं जो उसके पास कभी नहीं आती मात्र स्नान करने से। तो स्नान को आप छोटी मोटी चीज ना समझिए। एवरीडे स्नान करने से आपके अंदर कई शक्तियां अपने आप डेवलप होती है, स्वयं सिद्ध होने लग जाती है। और ये जरूरी है कि आप साबुन लगाए, शैंपू लगाए। स्नान मतलब आपके सिर से पानी आपने डाला है, पैरों से पानी बह करके निकल गया, या फिर आप नदी में गए हैं और स्नान कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी मतलब पानी के अंदर गई है और फिर बाहर निकली है, समझिए कितनी ही प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से चली गई। स्फूर्ति अपने आप आने लग जाती है, पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आने लग जाते हैं। आप देखना, स्नान के पहले आपका मन बहुत अलग होगा, लेकिन स्नान के बाद परिवर्तन आएगा और आएगा। किसी की लाइफ में ज्यादा ये परिवर्तन महसूस होता है, किसी की लाइफ में कम महसूस होता है। आपने देखा होगा जीव जंतु, जो पशु है, पक्षी है, ये भी पानी में स्नान जरूर करेंगे। जहां भी उन्हें पानी मिलेगा, स्नान तो उन्हें करना ही होता है। पेड़ पौधे आप देखो, बारिश में जब उन्हें स्नान कुदरत करवाती है, जब बारिश का पानी उनके ऊपर गिरता है तो लहलहा उठते हैं, उनकी ताकत हजारों गुना ज्यादा हो जाती है। स्नान करने से व्यक्ति की शक्ति जबरदस्त डेवलप होती है, व्यक्ति पॉजिटिव होता है, उसके तमाम काम सिद्ध होने लग जाते हैं। स्नान किए बिना जो लोग घूमते हैं, मैं बात बार बार बता रही हूँ दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, आप खुद इस चीज को नोटिस करना। कई जगह ऐसे मजदूर वर्ग के लोग आपको दिखाई देंगे जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, टेंट बांध करके रहते हैं। आप उन्हें देखना, उनके बच्चों को देखना, उनकी मानसिक स्थिति देखना। सिर्फ नहाने की वजह से मानसिक स्थिति ऐसी है ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक वजह स्नान भी है। पानी आपकी लाइफ में जबरदस्त इफेक्ट दिखाता है। नहाने का भी समय होता है। मैं आज आपको यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि व्यक्ति कभी भी नहा लेता है, लेकिन जो समय मैं आपको बता रही हूँ, इस समय पर आप स्नान करते हैं और स्नान के बाद आप अपनी इच्छा 3 बार बोलते हैं तो आपका काम बहुत जल्दी होता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो लोग एवरीडे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, उन्हें कोई भी नेगेटिव ऊर्जा टच नहीं कर पाती। कभी अगर उनके ऊपर कोई बड़ा तंत्र मंत्र भी छोड़ दिया गया है तो भी वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले व्यक्ति के शरीर में नहीं टिक पाता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान बहुत ही ज्यादा पावरफुली काम करता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें, सुबह उठें
और स्नान के बाद आप 3 बार अपनी इच्छा बोलें। स्नान दरमियान आप 7 नदियों का नाम बोलें, अपने इष्ट देव का नाम बोलें। आप देखेंगे आपका जो जल है, जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं, वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल को आप अपने सिर से डालें, स्नान करें और उसके बाद में अपनी इच्छा बोलें। लेकिन ये क्रिया आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। दूसरा समय है दोपहर 12 बजे। 12 बजे का जो समय है, ये बहुत ही निर्णायक समय होता है। ये वो समय है जब कोई भी बड़ा काम अस्तित्व में आता है और उसका रिजल्ट इधर या उधर ऐसा होता है, या तो इस तरफ या उस तरफ। 12 बजे आप देखना, जो जिन बच्चों का जन्म भी 12 बजे होता है, वे दुनिया में नाम करते, या तो टिकेंगे ही नहीं दुनिया में, और अगर टिक गए तो फिर नाम करेंगे, जैसे मैंने बताया, तो इधर या उधर। तो 12 बजे के समय आप स्नान करें। स्नान के बाद आप 3 बार अपनी इच्छा बोलें। और दूसरा जो समय है दोस्तों, वो है दोपहर 12 बजे का समय। 12 बजे का समय बहुत ही निर्णायक समय होता है। इस समय होने वाली कोई भी घटना या तो बहुत बड़ा स्वरूप लेगी या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। दोपहर 12 बजे की गई सूर्य देव की पूजा भी जबरदस्त रिजल्ट लेकर के आती है। तो दोपहर 12 बजे आप स्नान करें, फिर 12 बजे स्नान करें और अपनी इच्छा 3 बार बोलें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तीसरा समय है दोस्तों शाम को 4 बजे। 4 बजे स्नान करें और अपनी इच्छा बोलें। जो भी काम लंबे समय से नहीं हो रहा है, वो काम 4 बजे स्नान करके बोलेंगे यदि आप अपनी इच्छा, बहुत जल्दी पूरा होगा। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर दिन में 4 बजे बोले, मतलब शाम को 4 बजे बोले, आपको रिजल्ट बेहतर नहीं, बहुत बेहतर मिलेगा देखने को। तुरंत ही आपका काम होगा। स्नान करें और उसके बाद में 3 बार अपनी इच्छा बोले करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। अवश्य उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।